1 अक्टूबर को बल्लभगढ़ अनाज मंडी में होने जा रहे किसान मजदूर सम्मेलन को लेकर पूर्व सीपीए शारदा राठौर ने अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की, जिसमें उनके साथ धर्म सिंह छोकर भी नजर आए। बता दें कि अशोक तंवर की रोजी रोटी रैली के बाद बल्लभगढ़ में किसान मजदूर सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे, जिसको सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर उन्हें काम करने की हिदायत दी गई है। सम्मेलन किसान और मजदूरों के हक के लिए किया जा रहा है। पहली तारीख को जो किसान मजदूर पंचायत हो रही है अनाज मंडी बल्लभगढ़ में, उसके बारे में आज कार्यकर्ता मीटिंग है। चौधरी धर्म सिंह छोटे जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, वो यहाँ आए हैं, जिम्मेदारी सौंपी गई है और हम सब मिलकर इस किसान मजदूर पंचायत को कामयाब बनाएंगे। और बल्लभगढ़ में सारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, ये तो गिने चुने मैंने शहर के मौजूद लोग बुलाए थे, बाकी सारे कर्ताओं की जिम्मेदारी पहले ही सौंपी जा चुकी है। और रैली स्थल पर आपको पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये तो पता ही आप लोगों सब जनजान रैली आप न्यूज़ के माध्यम से देखना चाह रहे हैं, पब्लिक की भी एक मैसेज है बीजेपी के जो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जहाँ तक रैली की बात है, आने वाली 1 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे, उसे मुख्य अतिथि होंगे। और ये जो मैं देख रहा हूँ एक यहाँ का प्रभारी होने के नाते मेरे पूरे 6 के 6 डांसवासी लोग हो रहे हैं, जो लोगों में हिम्मत और जुनून और जो होश देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है लाखों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा होंगे। और रिवाड़ी से शुरुआत हुई थी रैली की, अपनी रैली का रिकॉर्ड खुद ही रैली बल्लभगढ़ होने जाने वाली रैली है, उसका रिकॉर्ड पड़ेगी।